में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि और आज हम हैं जी अमृतसर में शिंदा मीट वाला पे और यहां पे मिलते हैं बहुत ही बढ़िया मटन ग्रेवी। यहां पे मिलती है बहुत ही बढ़िया चाप ग्रेवी, मटन टिक्का, चिकन बिरयानी, मटन के पता नहीं क्या क्या आइटम्स मिलते हैं, इतनी बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोकेशन समझ लो। ये कटरा का नहीं है जी, ये कटरा जयमन से, ठीक है जी। ये है जी ताराचंद पनीर भुर्जी वाले और इनके एकदम सामने ये है जी शिंदा मीट कॉर्नर, इसके एकदम पीछे टेलीफोन एक्सचेंज है। तो दिस इज़ द शॉप, नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको डायल करके आना है तो डायल करके आ जाओ, इनसे टाइम पूछ लो। सर ट्यूसडे और थर्सडे नहीं होते ना? जो ट्यूसडे नहीं होते, ठीक। तो यहाँ पे ट्यूसडे को आपको दुकान नहीं मिलेगी, वैसे अदरवाइज 6 दिन हफ्ते के आपको मिलेंगे। दिखाते हैं यहाँ की रेसिपीज़ और फिर करते हैं जी टेस्ट, बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। लंच में हम खाने वाले हैं जी बहुत ही बढ़िया मटन, चिकन एंड पता नहीं क्या क्या, पता नहीं देखते क्या क्या खिलाते हैं। तो ये लग रही है जी यहाँ की स्पेशल मटन चाप देसी घी के अंदर, और मैं देख रहा हूँ तवे के ऊपर है जी मटन की चाप और अदरक के लच्छे और प्याज। ये तो मटन चाप है सर, कहीं और देखी नहीं हमने, ये अमृतसरी आइटम है ना? हाँ जी अमृतसरी मटन, ना लुधियाना में है ना चंडीगढ़ में, कहीं और नहीं है। क्या बात, और ये बनाते कैसे, मतलब ये जैसे मैं देख रहा हूँ सामने पड़ी हुई चाप, कैसे बनाते हैं? बोनलेस कर देते मीट को, तो उसकी ये कच्ची चाप है ये, एग लगा कर। अच्छा हाँ। एक तरह से पूड़ा बना देते हैं एग लगा। हाँ हाँ अब अभी बनाता हूँ मैं। जी हाँ। इधर अंडा फेंटा जा रहा है, ये चाप के लिए फेंट रहे हैं सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंडा फेंट रहे हैं ताकि चाप बना के दिखा सके। और इधर तवे के ऊपर आ गया जी और देसी घी। वाह, ये है जी मटन ग्रेवी और ये देखो मटन के बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पीसेस। ये है जी यहाँ की चिकन बिरयानी, ये सर दम करते हैं आप? हाँ जी हाँ दम करते हैं। वाह, ये दम करी हुई चिकन बिरयानी है जी, कवर करके रखा हुआ है यहाँ पे। मटन जो करी है उसको अब चाप के अंदर डाल लिया गया है ताकि अच्छे से इसका तड़का लग जाए। एक तरह से मीट की भुर्जी बन गई है ना? हाँ। अमृतसरी खमीरी कुलचे आ गए जी तवे के ऊपर। जैसे वेजिटेरियंस के लिए पनीर भुर्जी और कुलचा है या न्यूट्री कुलचा है, वैसे ही नॉन वेजिटेरियंस के लिए मटन चाप और साथ में कुलचा। वाह जी वाह। सर ये कितने की प्लेट है? ये है जी 150 रुपीस की प्लेट। अमृतसरी जो लोग है ना वो बहुत शौकीन है, बहुत खाते हैं और बहुत बढ़िया जोड़ से खाते हैं, जैसे कुलचा और साथ में मटन चाप। हाँ। ये अब मैं देख रहा हूँ जी तवे के ऊपर देसी घी आ रहा है। ये है जी मटन की चाप, मटन कीमे की चाप, इसको अंडे से, फेंटे हुए अंडे से कोट कर लिया जाएगा और ये आ गई सीधा देसी घी के अंदर तवे पे। दिस इज हाउ यू मेक अमृतसरी मटन चाप। मटन मिंस को यूज किया जाता है जी, उसको पहले फ्लैटन आउट करके ऐसी शेप में लाके अंडे का एक लेप लगाया जाता है और देसी घी के अंदर कुक किया जाता है। सर इसमें मसाले कौन कौन से रहते हैं, मतलब आप खुद ही बनाते हैं? हाँ खुद ही जी। इसमें लहसुन अदरक जिंजर जी, लहसुन अदरक और गरम मसाले जी। जसपाल जी आपको अपनी स्टोर का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? सभी है। सबसे ज़्यादा जैसे एक दिन बहुत ज़्यादा मतलब पेट भरा हो तब भी क्या खाने का मन करता है? चाप खा लेते हैं। चाप, ड्राई चाप। क्या जो भी आपने बना के दिए। हाँ। तो हमें जसपाल जी ने रेकमेंड किया है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ का जो ब्रेन करी है अपना वो मस्ट, जैसे एक मस्ट हैव होता है ना, इट्स लाइक अ मस्ट हैव। तो देसी घी के अंदर एकदम फ्रेश ब्रेन। ये आ गया जी प्याज अदरक बाप रो, और ये आ गया जी अदरक। सो बेसिकली देसी घी, ब्रेन, अदरक और प्याज, एकदम फ्रेश स्टॉक रोज लेके आते हैं। और आज बोल रहे हैं कि कीमा कलेजी मिली नहीं है, वैसे वो भी होती है इनके पास, है ना? जसपाल जी किसने शुरू की थी ये दुकान? मेरे फादर ने 50 साल हो गए। 50 साल पहले फादर साहब ने? हाँ। क्या बात, चाप बाद में तैयार हुई है, पहले मटन ही, मटन करी। हाँ मटन करी, अपना मटन बिरयानी। भाई साहब देसी घी की कोई लिमिट नहीं है, ये देखो जी और झाग आ गई है। The amount of झाग that you see here, this tells you that the brain is super fresh. एकदम fresh brain है जी। मेरे से ज़्यादा तो आपको मालूम है। बस थोड़ा बहुत ये काम करता रहता हूँ, उससे समझ में आता रहता है कि क्या चीज़ है। और ये यहाँ से आ रही है जी मटन करी। ये एक आपने स्टैंडर्ड बना के रखी हुई है ना मसाला जो है? हाँ हाँ। गरम मसाला। आप खुद ब्रेन खाना पसंद करते हैं? हफ्ते में कितनी बार खा लेते हैं? सर 2 दिन अपने खाते हैं हफ्ते में 2 दिन। और संडे को घर पे बनाते हैं? संडे में भाभी जी के लिए। हाँ सर, वो भाभी जी खुद बनाते हैं। अच्छा, आप नहीं खिलाते उनको? हाँ ना साहब,
अभी वो डिब्बे में चिकन अपना शलगम आए हुए हैं घर से बन गए। अच्छा वो घर से। अच्छा आप टिफिन में शलगम आए हैं आपके? शलगम और चिकन। शलगम और चिकन, वाह वाह वाह, मिक्स किए हुए हैं। अच्छा शलगम चिकन मिक्स किए हुए हैं, वाह जी वाह। ये देखो जी, ये जसपाल जी के घर से आए हैं। ये है शलगम चिकन और अंडा है ना? क्या बात है जी, शलगम चिकन और बॉइल्ड एग्स। तो भाभी जी भी शौकीन है एकदम खाना बनाने के, है ना? क्या बात है जी। बच्चों को ज्यादा आपके हाथ का खाना पसंद है या मम्मा के हाथ का? नहीं, मैं घर में इधर ही बनाता हूँ। अच्छा के लिए। अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए भाभी। आपकी ब्रेन करी बन के तैयार है, मतलब बकरे की ब्रेन करी बन के तैयार है जी आपकी नहीं। और अब बनने जा रही है जी वो चीज़ जिसकी वजह से ये जो स्टॉल है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है यहाँ की। पहले तो देसी घी में अदरक और प्याज को भुजाया जाएगा, और ये हरी मिर्च काटने का तरीका चेक करो आप, खुरपी से ही मिर्च को काटनी है जी। और ये देखो जी, ये है बढ़िया सा मटन, और इसके पीसेस जो हैं उनको पहले तड़के के अंदर पकाया जाएगा। और ये आ गई जी करी, बेसिकली मटन करी के जो पीसेस हैं वो आ गए, और साथ में आ गई करी, और ये आ गया जी ऊपर से रोगन। ये मटन करी को देसी घी का तड़का लगता है, वो भी तवे के ऊपर। जो जायका आपको अमृतसर में मिलेगा ना, ये जायका कहीं और नहीं मिलेगा यार। पूरे इंडिया में घूम लो, पूरी दुनिया में घूम लो, ये चीज़ सिर्फ अमृतसर में। अब इसको सर्व के लिए जाएगा, सबसे पहले नल्ली का पीस आ गया, ये आ गई जी चाप, और अब आएगी जी ग्रेवी। ओहो वाह जी वाह, ये है जी देसी घी में तड़का लगा हुआ मटन, और मटन करी है जी तवे वाली, बहुत उम्दा। ये है जी ब्रेन करी, लुक एट द नंबर ऑफ टेक्सचर्स इन दिस ब्रेन करी। और ये मैं एक चम्मच यहाँ से उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये है जी मटन चाप ग्रेवी, क्या मस्त मस्त कीमा भुर्जी एक तरह से बोल सकते हैं इसको। ये है जी तवा मटन करी, मतलब मीट की करी है पर तवे के ऊपर देसी घी का तड़का लगा के प्याज अदरक और हरी मिर्च डाल के पूली, और साथ में हरी चटनी। और ये है जी कुलचे, कुलचे भी मसाले वाले, मसाले के अंदर डिप करके तड़का लगा के प्लेट बनाते हैं जी, अपनी प्लेट सजाते हैं। सबसे पहले तो मैं डालूंगा ये, आहा चाप, मटन चाप ग्रेवी, और इसके ऊपर डालते हैं थोड़ी सी साथ में हरी चटनी, और ये रखते हैं जी 2-3 पीसेज ऑफ मूली। हियर इज एन अमृतसरी कुलचा, ये बनाते हैं जी इसकी बढ़िया सी बाइट। ये आ गई जी मटन चाप ग्रेवी, हरी चटनी खुद ही आ गई भाई साहब बिन बुलाए मेहमान, एंड ये आ गई जी साथ में एक मूली, कंप्लीट्स द एक्सपीरियंस। वो भाई साहब बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। मैंने जिससे भी पूछा इनके बारे में सबने तारीफ करी है। द बेस्ट पार्ट इज पहली बार हम आ रहे हैं यहाँ पे, और इतनी तारीफें सुनने के बाद ना हाइप इतनी बनी हुई थी, दिमाग में ये डर था कि यार ऐसा ना हो कि ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात, बट दिस इज सो गुड, इतनी ज़्यादा बढ़िया है, मज़ा आ गया। जो ब्रेन करी है ना, ये डालते हैं इधर। ये आ गया जी ब्रेन, पंजाबी में मगज ग्रेवी, मूली, और ये बाइट ना सुंदर सी बनाओ, जब तक मतलब अंदर इंट्रोड्यूस हो ना सिस्टम को बाइट, तो लगे जी चीफ गेस्ट आ रहे हैं। है तो भेजा करी, मगज की करी, बट इट टेस्ट सो मच लाइक कीमा, अंडे की भुर्जी, कीमा, और बढ़िया सी एक लहसुन वाली ग्रेवी। और अब आने वाला है जी प्लेट के अंदर ये मटन करी, ये नल्ली आ गई है, नलकी या नल्ली आ गई है जी, उसके साथ आ गई है ग्रेवी। द मटन सो टेंडर बट सो हॉट, आहा हाथ नहीं लग रहा। ओहो, ये देखो जी मटन के रेशे, क्या बात है जी। ये आ गया जी मटन, और डिप इनटू द ग्रेवी। बिल्डिंग बनानी तो भूल गए भाई साहब, अंदर इंट्रोडक्शन होगी तो चीफ गेस्ट पता चलना चाहिए ना आ गए। सो ये है जी चीफ गेस्ट की तैयारी। मटन इतना टेंडर है, इतना जूसी है कि कुलचा और मटन का जो टेक्सचर है ना वो ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। इमेजिन भाई साहब, कार्ब्स और ब्रेड मीट सेम टेक्सचर, बिकॉज इतना बढ़िया से गलाया हुआ है। बिरयानी जो है इसको इधर सर्व कर लेते हैं, इसी बहाने से मुझे मटन करी के साथ थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। बिरयानी
वाह क्या बढ़िया स्वाद है यार। ब्यूटिफुल। द बेस्ट पार्ट इज कि दोपहर को भी अगर आप अमृतसर आते हो तो 2 बजे ये दुकान खुल जाती है एंड रात के 11 बजे तक ये यहीं पे है। इट्स अ ब्यूटिफुल 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 प्रेपरेशन, सब कुछ बहुत बढ़िया से बनता है। तो जब भी आप यहाँ आते हो, एक तो इनकी मटन करी जो है वो ज़रूर ट्राई करो तवे वाली, एक इनकी जो मटन चाँप है वो ज़रूर ट्राई करो। आई वुड ऑल्सो रेकमेंड द ब्रेन करी इफ यू कैन हैव इट, अगर आपको पसंद है ब्रेन खाना। हम मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साड़ियाँ यारियाँ ते जौंदा हसदा ते बजदा रहे साडा पंजाब नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद।